कांग्रेस के कार्यकर्ता और सरकार के मंत्री पेट्रोल और डीजल को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई है। धारा 144 लगा हुआ है, उसकी अवहेलना की गई है और उसके साथ ही साथ में महज एक राजनीतिक नौटंकी। वास्तविक में कांग्रेस जनता के हिमायती है, किसानों के साथी है, तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल का रेट ना बढ़े इसके लिए वैट टैक्स सरकार को कम करनी चाहिए कि जिससे जनता को सही रेट पर यहाँ पर पेट्रोल मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से सरकार में रहने के बाद उनके मंत्री जा करके जिस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं, जनता भी इस बात को देख रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नियम के कानून की अवहेलना किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी दूसरे यदि कोई पार्टी के लोग होते और यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता होते तो अब तक उनके खिलाफ में FIR हो गई होती। लेकिन सरकार में रहने के बाद में जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता का, और सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद में जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज भी प्रदेश कोरोना से मुक्त नहीं हुआ है, कल भी 84 पॉजिटिव मिले हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और संख्या बढ़ने के बाद में जिस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए, उनकी धज्जियां यदि सत्ताधारी दल के द्वारा ही उड़ाई जाए, यदि उनके द्वारा ही तोड़ी जाए, तो इससे और क्या प्रदेश में अव्यवस्था के आलम हो सकते हैं। ये कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से खुद धज्जियां उड़ा करके नियम की अवहेलना करके इन्होंने किया है, निश्चित रूप से आज में जनता में बड़ी प्रतिक्रिया है और ये राजनीतिक नौटंकी उनको बंद करना चाहिए।